हाय, तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में क्या डिफरेंस होता है। ये तीनों बीमारी आपके एनल रीजन यानी कि जो स्टूल्स पास करने का जो रीजन है, जो आपके संडास का रास्ता है, वहाँ पर होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ये तीनों बीमारियों में लोग बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं और उनको ठीक से पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी का क्या मतलब है। लोग इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं बिकॉज लोगों को ये बहुत एम्बैरेसिंग लगती है और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कन्फ्यूजन में कि उनको एग्जैक्टली क्या बीमारी है, कौन सी दवा लेनी है। इंडिया में लोग खुद से दवा लेना काफ़ी प्रेफर करते हैं, स्पेशली ऐसी बीमारियों के लिए जो भी उनके पास केमिस्ट के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं या जो इंटरनेट पर देखते हैं, वो डायग्नोसिस भी अपने आप ही करना चाहते हैं। और अगर आप समझ जाएँ कि इन तीनों बीमारियों में डिफरेंस क्या है, तो आप अपना ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाइल्स कैसे होता है। ये हमारा मुंह है जहाँ से हम खाना खाते हैं, ये हमारा ईसोफेगस है जहाँ से खाना नीचे आता है, और यहाँ कहीं पे हमारा स्टमक होता है जहाँ पे सब खाना जमा होता है और आगे डाइजेशन के लिए जाता है, इसको डुओडेनम कहते हैं। यहाँ से आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करती है, और यहाँ पर हमारे स्टूल जो है वो मोशन जो है बाहर निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब ये हमारी स्किन का पार्ट है, ये हमारी नेचुरल ओपनिंग है, ये अंदर कुछ बॉडी में गॉड गिवन कुशंस होते हैं और यहाँ हमारी डेलिकेट स्किन होती है जो आप मोशन होता है जो बनता है वो इस एरिया से नीचे जाता है। वहीं पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको कि हम हेमोरॉइडल वेसल्स कहते हैं। ये जो हेमोरॉइडल वेसल्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटरनल हेमोरॉइडल वेसल्स और एक होती है एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेसल्स। जो एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेसल्स होती है वो यहाँ पे होती है बहुत सारी छोटी 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 छोटी, इनमें भी जब स्वेलिंग आती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स जो कि ऐसे दिखते हैं स्किन के बाहर। हाउएवर ये जो कुशन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं अगर इनमें स्वेलिंग आ जाए तो हम उसको कहते हैं इंटरनल पाइल्स। अब इनमें स्वेलिंग क्यों आती है, इनका नॉर्मल नेचुरल तरीके से काम होता है, ये जो स्टूल्स आते हैं इनके जो स्टूल से जो प्रेशर बनता है वो कुशन, वो जो प्रेशर होता है उसको झेलना इन कुशंस का काम होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। बट हमारे लाइफस्टाइल के कारण अगर आप पूरे टाइम बैठे रहते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है, इस एरिया में ज़्यादा प्रेशर आता है, तो ये जो कुशंस हैं वो स्वेल होते जाते हैं और उनके अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी साथ में स्वेल होती जाती है और एक टाइम आता है जब ये बाहर आने लगती है और प्रेशर के कारण आपको तकलीफ़ देने लगती है। जब भी स्टूल यहाँ से पास होते हैं तो वो इसको रगड़ते हुए जाते हैं, उसके कारण यहाँ से डॉट डॉट ड्रॉप ड्रॉप ब्लीडिंग होती है। और अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए यानी कि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हो जाए तो वो एनल रीजन से बाहर आने लगता है, आपको फील होने लगता है और फिर आपको तकलीफ़ ज़्यादा होने लगती है। कभी कभी इसके कारण ब्लीडिंग इतनी भी बढ़ सकती है कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाए। तो ये है बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। अब हम ये समझेंगे कि फिशर इन एनों क्या चीज़ होती है, ये कौन सी बीमारी है और इसमें और बाकी बीमारी जैसे पाइल्स और फिस्टुला में क्या फ़र्क है। ये हमारा खाने का रास्ता है, ये हमारा ईसोफेगस, ये है स्टमक, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है, और ये हमारे स्टूल पास करने का यानी कि मोशन पास करने का रास्ता है। इस रास्ते में होता है फिशर का प्रॉब्लम। अब ये जो रास्ता है उसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये है वो अंदर के साइड की स्किन जहाँ से आपके मोशन पास होते हैं,
यहाँ पे कुछ कुशन्स होते हैं जो कि नेचुरली आपके जो मोशंस हैं उसका जो प्रेशर आता है उसको झेलने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए होते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू होता है, बोन्स, फैट एक्सेट्रा, और इन सभी जगहों पे अलग अलग ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, जिनसे कि सेंसेशंस बॉडी में ऊपर जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कि हार्ड स्टूल्स की तकलीफ है, और जब यही हार्ड स्टूल्स यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये जो अंदर की स्किन है उसको वो डैमेज करते हुए जाते हैं, और ये डैमेज के कारण यहाँ पे एक कट आ जाता है, ये जो स्किन है वो ऐसे कट हो जाती है, इसको हम कहते हैं फिशर। और ये जो कट है इसी के कारण बाद में जाके तकलीफ होती है, और इसी बीमारी को हम कहते हैं फिशर इन एनो, एनो यानी कि एनल रीजन, वहाँ पे होने वाला जो कट है फिशर उसको कहते हैं फिशर इन एनो। तो यहाँ पे जो कट आ जाता है बार बार स्टूल्स के, कड़क स्टूल्स के पास होने से, क्योंकि यहाँ की स्किन डेलिकेट होती है, उस कट के कारण यहाँ की नर्व्स स्टिमुलेट हो जाती है तो आपको जलन होने लगती है, कट होने के कारण आपको यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, और वही कट होने के कारण आपको पेन होने लगता है। अब ये जो बीमारी है ये वैसे तो अपने आप खुद ही ठीक हो जाती है 99% ऑफ द टाइम्स। ये अगर मैं नीचे का व्यू देखूं तो ये आपका मोशन पास करने का रास्ता है, यहाँ से एक बार अगर कट आ गया तो वो बॉडी अपने आप ही उसको भर देती है। हाउएवर जब भी ये भरता है तो ये रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन ग्रो होने लगती है। तो एक बार ये जब रास्ता जैसे कि छोटा होता जाता है, एक टाइम आता है जबकि इतने छोटे रास्ते से स्टूल्स को पास होने में बहुत तकलीफ होती है और आपकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, आपको पेन ज़्यादा होने लगता है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है और आप ये पेन को बेयर नहीं कर पाते। तो इस तकलीफ़ को कहते हैं फिशर इन एनो। आप देखेंगे कि पाइल्स से ये तकलीफ़ बहुत ही अलग है, हालांकि ये होती सेम ही जगह पे है, बट इसका पाइल से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार पेशेंट्स को ये सेम बीमारी पाइल्स के साथ होती है, यानी कि बहुत बार पेशेंट को पाइल्स और फिशर दोनों ही साथ में होते हैं, इसलिए अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मुझे पाइल्स है या फिशर है। बट आप समझने की कोशिश करें कि दोनों का ट्रीटमेंट काफ़ी अलग है, पाइल्स का ट्रीटमेंट एकदम अलग है और फिशर का ट्रीटमेंट एकदम अलग है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट सही डॉक्टर से लेना ज़रूरी है, जिसके की वजह से आप गलत ट्रीटमेंट नहीं ले पाएँ और ख़ुद तो दवाई दे के टाइम पास ना ही करें, बिकॉज आपको ये सारी थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए अपना ट्रीटमेंट खुद शुरू करने के पहले। अब हमको ये समझना है कि ये फिस्चुला क्या होता है। फिस्चुला का पूरा नाम है फिस्चुला इन एनो। फिस्चुला इन एनो भी आपके एनल रीजन में यानी कि संडास के रास्ते में ही होता है, बट इसकी जो बीमारी का तरीका है, जो इसकी ईटियोलॉजी है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, एकदम अलग है बाकी दोनों बीमारियों से, पाइल से और फिशर से। तो अभी इसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। ये है मुंह, ये है आपका इसोफेगस, ये है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से आपके स्टूल बाहर आते हैं और इसी जगह पे आपको होता है फिस्चुला। तो फिस्चुला इन में क्या होता है कि ये आपका स्टूल पास करने का रास्ता है, ये उसके अंदर की स्किन है, यहाँ से स्टूल बाहर निकलते हैं। अब फिस्चुला यानी कि फिस्चुला यानी कि ट्यूब, ट्यूब का कोई भी ट्यूब का दो एंड्स होते हैं, एक इस तरफ का एंड और एक इस तरफ का एंड। तो यही बीमारी जब फिस्चुला बन के यहाँ पे आती है तो सबसे सिंपल तरीका समझाने का उसको ये है कि ये जो आपकी स्किन है और ये अंदर की स्किन और ये बाहर की स्किन, ये अंदर की स्किन है और ये बाहर की स्किन है, यहाँ से एक कोई ना कोई जगह से रास्ता बन जाता है जो कि टनल जैसा होता है और जो कि अंदर कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन अंदर कई जगहों पे हो सकते हैं। अब ये तो टू डायमेंशनल डायग्राम है, अगर आप 3D में सोचेंगे तो
इसकी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए इसके काफ़ी बार आपको इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, MRI वगैरह, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम के लिए हम इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों करा रहे हैं, इतना खर्चा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो टनल है ये अंदर कहीं भी जा सकती है। अगर आप बहुत लकी हैं तो यहाँ पे स्किन में एक उसका एंड होगा और दूसरा एंड उसका यहाँ पे होगा। ये सबसे सिंपल टाइप का फिस्टुला होता है, इसको ठीक कराने के लिए आप शासूत्रा भी लगवा सकते हैं। हाउएवर, अगर आपको इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, यानी कि ये ओपनिंग यहाँ है बट अंदर की ओपनिंग कहाँ है दिख नहीं रही है, या अंदर की ओपनिंग कहीं डीप है, या अंदर की ओपनिंग मल्टीपल है, यहाँ पर भी है, फिर एक ब्रांच यहाँ पर भी है, फिर एक ब्रांच कहीं अंदर भी खुल रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका फिस्टुला ठीक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसका जो कारण है बीमारी का, वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और भी कई बीमारियों के कारण है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, उनके कारण भी ये हो सकती है। तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फिस्टुला अंदर कितना डीप है और किस कारण की वजह से। तो जब तक आपका ये फिस्टुला का ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं होगा कारण के साथ, तब तक आपको फिस्टुला बार बार होता रहेगा। अगर आपने फिस्टुला इग्नोर किया तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि आपका ये जो फिस्टुला का रास्ता है, यहाँ पर, यहाँ से तो मोशन जाता है, हो सकता है कि ये मोशन यहाँ पर आ जाए और यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करे, जिसकी की वजह से पस जमा हो जाए, और पस जमा होते रहेगा होते रहेगा, आप ध्यान नहीं दोगे, एक टाइम आ सकता है कि वो फट सकता है यहाँ से, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा रास्ता बन जाता है जहाँ से कि पस आने लगता है कब, अगर आप बहुत, आपका सच में लग खराब है तो हो सकता है मोशन भी यहाँ से आने लगे। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है अगर अपने फिस्टुला को इग्नोर करेंगे और उसको ध्यान नहीं देंगे और पूरी तरह से समझेंगे कि नहीं कि फिस्टुला क्या होता है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे कि ये जो फिस्टुला है ये अंदर के अंदर ही बर्स्ट हो जाए, यानी कि बाहर तक कुछ ना आए, बट ये जो पस है ये अंदर से भी आ सकता है और यहाँ पे जो ओपनिंग है यहाँ से भी पस निकल सकता है, या अगर उसकी ओपनिंग है यहाँ से भी पस निकल सकता है। तो ये अलग अलग सिनारियोज होते हैं जिसमें कि फिस्टुला इन एनो को आपको ठीक करने के पहले एज अ डॉक्टर मुझे समझना होता है, और इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन बीमारियों को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, एंड आपको सिर्फ घरगुती दवाइयाँ खा के यहाँ वहाँ से इंटरनेट से दोस्तों से पूछ के उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको तीनों बीमारियों के बारे में डिफरेंस समझाने के लिए। आई होप इससे आपका काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिनसे इनकी मदद हो, जितने मैक्सिमम लोग या मदद कर सकते हैं आप कीजिए। एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने की उत्सुकता है, तो आप बेशक उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मुझे बताइए कि आप और क्या सुनना चाहेंगे। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।